कश्यप मेरे को बोलता था कि तू घर में रहे बट तू स्टैंड बाई में है। तो घर में रहना स्टैंड बाई है मतलब वो दिन में शूटिंग चल रही इधर उधर कहीं, उसको कोई अच्छा लोकेशन मिल जाता तो वो मेरे को बुला लेता था। तो मुझे पता ही नहीं था कब मेरे को बुलाएगा। तो 1-1.5 घंटे का नोटिस देके बोलते कि ऑटो पकड़ आ जा, तो मैं ऑटो पकड़ के निकल जाता था। ये है बॉलीवुड वॉचमैन और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे कलाकार से करवाने वाला हूँ जिन्होंने बॉलीवुड में अदम्य विश्वास, अनन्य अभिनय कौशल के दम पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। आइए स्वागत करते हैं उनका, दिबेंदु भट्टाचार्य जी का। सर स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है बॉलीवुड वॉचमैन। जी सर, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, आपको बॉलीवुड में 2 दशक बीत गए हैं सर, आप 2 दशक से यहाँ पे अभिनय करते आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सर कि एक ऐसी कौन सी चीज़ है बॉलीवुड में जिसको अभी भी बदलाव की गुंजाइश है, बदलाव किया जा सकता है उसमें? अव्वल तो बदलाव तो नेचर का पार्ट है, नेचर में तो बदलाव रहता ही है, आता ही है। लेकिन जहाँ तक एक बार मैं करूँ कि बॉलीवुड इन द सेंस, मैं इसको बॉलीवुड इस तरीके से नहीं देखता हूँ, मैं इसको इंडियन सिनेमा, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नाम पे देखता हूँ, इंडियन मेन स्ट्रीम। क्योंकि हमारे ये इंडस्ट्री जो है ये बॉम्बे में, मुंबई में स्थित है, तो इसके चलते हम इसको बॉलीवुड बोल देते हैं, क्योंकि हॉलीवुड से हम अनुप्राणित है, वहाँ के तौर तरीके से हम फिल्म बनाना शुरू किए हैं, तो इसके चलते हम इसको बॉलीवुड कह देते। पर मैं इसको इंडियन सिनेमा, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री मानता हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये इस इंडस्ट्री में सिर्फ सिर्फ किसी क्षेत्र विशेष से कलाकार नहीं आते हैं, यहाँ आपको सर्वभारतीय लेवल में आपको एक एंसेंबल मिलता है, तो इसको इंडियन सिनेमा, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कहना लाजमी रहेगा। और बदलाव तो अगर आप देखोगे कि बदलाव इस इंडस्ट्री की शुरुआत से ही बदलाव हमेशा आता रहा, मतलब कि अपने हिसाब से बदलाव आता है, कि अभी के इस हिसाब से इस इंडस्ट्री में अगर देखा जाए, ये सिनेमा, फिल्म और OTT, टेलीविज़न सब कुछ मिला के एक इंडस्ट्री हो चुका है अभी। अब तो OTT एक बहुत बड़ा बदलाव है। जी सर। तो बदलाव की जहाँ तक बात है कि एक बदलाव तो ऑलरेडी आ चुका है, जो कि सिनेमा से हम, सिनेमा को हम OTT पे लेके आए हैं। पहले अभी के स्थिति में, लॉकडाउन की स्थिति में सिनेमा हॉल खुल नहीं रहे, तो ऑडियंस को तो एंटरटेनमेंट चाहिए। बिल्कुल सर। क्योंकि दाल रोटी सब्जी तो मिल ही जाती है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन आदमी का जो, इंसान का जो थर्ड नीड है, रोटी कपड़ा मकान के बाद की जो नीड है, वो नीड है एंटरटेनमेंट। सो एंटरटेनमेंट किसी ना किसी हिसाब से तो चलते रहना चाहिए। बिल्कुल सर। तो OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म में आपको वो एंटरटेनमेंट मिलता है घर में बैठ के, घर में बैठ के आपको सिनेमा का स्वाद मिलता है, तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इस बदलाव के चलते और एक बड़ा बदलाव इसलिए ये आया है कि ये OTT जो है ये कंटेंट ड्रिवन इंडस्ट्री हो चुका है। सो ये कंटेंट ड्रिवन इंडस्ट्री होने से ये स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री रहा नहीं, बॉक्स ऑफिस ड्रिवन इंडस्ट्री नहीं रहा, कि बॉक्स ऑफिस में कौन राज करेगा या फिर बॉक्स ऑफिस किसको सबसे ज़्यादा बेचेगा, ये सब कुछ है ही नहीं अभी। अभी ये सीधा कंटेंट ड्रिवन इंडस्ट्री होने से क्या हुआ, आपको ऐसा कंटेंट बिल्डअप करना पड़ता है, और जिस कंटेंट को पुल अप करने के लिए आपको बहुत अच्छे किरदार, बहुत अच्छे एक्टर्स की ज़रूरत होती है। तो एक मतलब ये आ चुका है कि ये इस इंडस्ट्री में अभी बहुत सारे एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं आपको, कि जो पहले छुटमुट में आते थे, लाइक नो कि किसी बड़े फिल्म में एक छोटा किरदार किया, नो के जैसे कि इंडिपेंडेंट फिल्मों का जो एक दौर है, मतलब इंडिपेंडेंट फिल्म जो बहुत लोग बनाते आए हैं, बना रहे हैं, अभी भी बना रहे हैं, तो वो फिल्म आप कितना देख पाते हैं, वो आप देख ही नहीं पाते, क्योंकि वो सबसे अव्वल तो वो ज़्यादातर बाहर के देशों में
फॉरेन फेस्टिवल्स में रिकॉग्निशन मिलने के लिए वो चले जाते हैं। उसके बाद वो जब हिंदुस्तान में घूम के आते हैं, या तो वो बहुत चर्चित हो जाए, या तो फिर उसमें मतलब बहुत कुछ ऐसा कलाकार हो कि जो फिर बॉक्स ऑफिस का नीड को पूरा करे, नहीं तो फिर ऐसे किरदार होते हैं, ऐसे एक्टर्स होते हैं जो कि यही एक्टर्स जो आज की तारीख में आपको OTT में देखने को मिल रहे हैं, उनका 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 बॉक्स ऑफिस ज़ीरो था। तो जैसे जैसे कि मेरी भी एक मेरी बहुत सारी फिल्म है, जैसे कि मेरी एक फिल्म है सोल ऑफ सैंड करके, पैरों तले आप लोग अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वो हुबर्ट बाल्स फाउंडेशन रॉटरडम की पिक्चर थी, उसके बाद फिल्म थी, उसके बाद वो फिल्म टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हो गई, मैं मेन लीड कर रहा था, डायरेक्टेड बाय सिद्धार्थ श्रीनिवासन। वो फिल्म जब सब जगह में घूम के वापस हिंदुस्तान में आई तो हिंदुस्तान में उसको रिलीज़ ही नहीं कर पा रहे, बिकॉज उसका कोई बॉक्स ऑफिस ही नहीं है, यू नो कि उसका बॉक्स ऑफिस में, क्योंकि मैं मेन लीड कर रहा हूँ तो मुझे कौन खरीदेगा। सो उस हिसाब से उस टाइम में हमको, जैसे कि थिएटर में अगर आपने थिएटर किया है तो आपको पता चलेगा कि थिएटर में कैसे आपको ऑडियंस बुलाना पड़ता है, लोगों को यार हमारा एक प्ले है प्लीज़ ये टिकट ले लीजिए, प्लीज़ यार 15 रुपये का टिकट है, 10 रुपये का टिकट है, 20 रुपये का टिकट, ये टिकट ले लीजिए और आप प्लीज़ हम इसमें काम कर रहे हैं, आप प्लीज़ देखने आइए। तो हम सिनेमा के लिए भी वैसे ही जा रहे थे उनके पास कि प्लीज़ एक एक फिल्म है जो रिलीज़ हो रही है, PVR में रिलीज़ हो रही है, आप प्लीज़ आइए, आप प्लीज़ ये टिकट लीजिए, आप प्लीज़ प्ले देखिए, एक फिल्म देखिए। तो ये भी बदलाव है ना, बदलाव नेचर का एक दस्तूर है, मतलब जिसके चलते आज ये बदलाव आया है कि आज मैं भी लोगों के साथ कनेक्ट हो पा रहा हूँ और मेरे भी शोज़, जो भी शोज़ मैंने रिसेंटली की है, जैसे कि अगर अनदेखी हो या फिर जमताड़ा हो या फिर क्रिमिनल जस्टिस हो, कोई भी हो, अब रिसेंटली रे आया है, रे में भी एक छोटा सा किरदार था, लेकिन वो छोटा था लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल था, तो कोई भी शो मैं भी कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो ये एक बदलाव ही है। तो ये बदलाव है, तो बदलाव नेचर का पार्ट है, बदलाव आता रहेगा, बदलाव लाने के लिए उस कोशिश में नहीं लगे रहना चाहिए, बदलाव आएगा और आ ही रहा है, आएगा जी। दिव्येंदु सर, इन 20 सालों में कोई ऐसी चीज जो तब भी वैसी थी और अभी वैसी की वैसी है? बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब के लोगों की सोच बहुत, जैसे सोच के लेवल में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बदलाव आया है, लेकिन सी द थिंग इज दैट हमेशा ये याद रखना चाहिए कि देयर विल बी पार्ट्स ऑफ पीपल लाइक नो कि कुछ लोग जो बदलाव के साथ रहते हैं, कुछ लोग मेन स्ट्रीम से फिर बदलाव में आ जाते हैं, फिर वो उनकी भी नज़रिया बदलती है, लेकिन कुछ लोग जो है वो कुछ लोग अभी भी वैसे ही रह जाते हैं, तो फिर क्योंकि उसकी भी ऑडियंस है, मतलब नो कि अभी भी उस टाइप की फिल्में भी बन जाती है कभी कभार कि जो बिल्कुल मसाला टाइप हीरो ओरिएंटेड, जो शैलो ह्यूमनिस्टिक फिल्में जिसको बोलते हैं कि जो सतह लेवल पे रहता है, जो शैलो बोलते हैं, जिसमें इतनी डेप्थ नहीं होती है, इतनी आपको सोचने पर मजबूर नहीं करती, ऐसी फिल्में भी है, कुछ लोग अभी भी है, कुछ लोग अभी भी होंगे, वो रह जाएगा कि उनकी सोच उस तरीके से ही रहेगी, मतलब उनके क्योंकि उसके भी ऑडियंस है, मतलब आज भी लोग मसाला फिल्म देखना पसंद करते, कुछ लोग मसाला फिल्म पसंद करते, कुछ लोग चाहते हैं कि फिल्म मतलब उसमें लार्जर देन लाइफ है कोई होना चाहिए, कि तो एक नो बहुत बड़ा हीरो जिसका नाम है, तो वो भी एक सेटअप है, क्योंकि आज की तारीख में जो फिल्में बन रही है और उसको भी थिएटर नहीं मिल रही है, बिकॉज थिएटर तो बंद है, लेकिन ऐसी बहुत सारी फिल्में भी आप देखोगे कि जो OTT में भी रिलीज़ किया जा रहा है, तो उसमें से कुछ हो सकता है, कुछ चल भी जाए, कुछ नहीं भी चल रहा है, तो वो एक प्रोसेस है, जो लोग अभी भी उस तरीके की फिल्में बनाने पसंद करते हैं और वो चलती भी है, नहीं भी चलती है, लेकिन फिर भी वो एक सोच है, जो एक चीज़ें हैं वो आप नहीं बदल सकते, क्योंकि वो कभी ना कभी हो सकता है वो भी बदल जाए, तो बदलाव अगर नेचर में है तो वो भी बदल जाएगा एक दिन, लेकिन
वो सारी चीज़ें तो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अभी भी सोच के लेवल पे कैसे है? मैं आपको बताता हूँ, सोच के लेवल पे मैं रिसेंटली मैं एक चीज़ किसी इंटरव्यू में ही बताया कि जैसे कि अभी भी इंडस्ट्री में एक एक थॉट है, मान लो कि जैसे कि नेगेटिव कैरेक्टर मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर डार्क कम्प्लेक्शंस में नहीं होते। ये देखना बहुत, खास करके टेलीविज़न में तो ये बहुत अहमियत रखती है। हाँ, कि पॉजिटिव कैरेक्टर्स को डार्क कम्प्लेक्शंस में नहीं होते, नेगेटिव कैरेक्टर्स जो है वो डार्क कम्प्लेक्शंस में आ जाते। पॉजिटिव कैरेक्टर्स को डार्क कम्प्लेक्शन में वो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो ये एक विषम्य है, मतलब ये इसमें एक विषमता है ना, मतलब इस बार काफ़ी बड़ा विषमता है कि जिसको हम रेसिज्म बोलते हैं, ठीक है, तो वो तो है ही, वो ये सारी सोच है, ये तो ये बदलेंगे तो अनदेखी में वो थोड़ा बदला। जैसे कि अनदेखी, अगर आपने देखी होगी वो सीरीज, अनदेखी में एक मैं पॉजिटिव कैरेक्टर हूँ, एक राइट का स्कोप है, तो वो एक मैं हूँ जिसका डार्क कम्प्लेक्शन है, तो ये एक बदलाव है, ये भी आएगा। तो ये भी जैसे कि अगर आप देखिए कोई, अगर सीरियल में मैं एक बार देखा था कि सीरियल में श्री कृष्ण के ऊपर सीरियल बन रहा है जिसका नाम कृष्ण, जिसका नाम कान्हा काला है, हम गोरा कृष्ण ढूंढ के लेके आते हैं, विषमता, बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी, हम गोरा कृष्ण ढूंढ रहे, क्यों? क्योंकि चलेगी नहीं, क्योंकि ऑडियंस को आप बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं, काला मीन्स खराब, नेगेटिव, और गोरा मीन्स पॉजिटिव, जो कि होता ही नहीं है, क्योंकि लाइफ में होता ही नहीं है। लाइफ में अगर ऐसा होता तो पूरा अफ्रीकन लोग सारे नेगेटिव होते। तो और मतलब वही, मतलब ये सोच है और ये सोच है, प्रीडोमिनेंट है, ये सोच भी एक दिन बदलेगा, ऑफकोर्स बदलेगा, और अब बदल रहा है, धीरे बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, क्योंकि मैंने तो वही मैं अपने ज़िंदगी के साथ भी ये फेस किया ना, तो कि ये भी चेंज होगा एक दिन, चेंजिंग ऑफ द नेचर, मतलब सोच के लेवल पे देखिए, सोच के लेवल पे अगर कोई आप ऑनसम्बल कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी ना आपको सब, आप क्यों बोलते हैं कि हर कोई जिम जाए, हर कोई एक जैसे देखने के, फिर आप जब इंडस्ट्री में जब जाते हैं आपको लगता है कि सब एक जैसे दिखने में है, मतलब ना कि जैसे कि, लेकिन आप जिंदगी में बाहर जब जाते हैं, रास्ते में जाते हैं, आपको आड़े टेढ़े लंबा चौड़ा सब किस्म, हर किस्म के लोग मिलते हैं, लेकिन आप जब आप एक्टर होते हैं, जब आपको, आप उस चीज़ को भूल जाते और कम्प्लीटली, जिम जाना अच्छी बात है, शरीर चर्चा अच्छी बात है, कसरत करना अच्छी बात है, बॉडी को फिट रखना अच्छी बात है, बट हर कोई एक जैसा तो देखने को कदकाठी के होते हैं, तब तो फिर दुनिया में कोई, जो दुनिया का जो यूनिवर्सल जो लॉ है उसके खिलाफ आप चले जाते हैं, मतलब ना सब एक जैसे थोड़ी ना होता है, तो या देर एवरीथिंग इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इज़ द मेन थिंग, डाइवर्सिटी अगर ना हो तो आपको मज़ा ही नहीं है ना, क्योंकि सब अगर नो कि एक कदकाठी की एक क्लोन जैसा आपको दिखने लगे तो फिर फायदा क्या है, मैकेनिकल टाइप हो जाएगा वो, तो फायदा क्या है, वो तो दुनिया ही नहीं है, दुनिया को ही रिप्रेजेंट नहीं करते। और जहाँ के लगता है कि हिंदुस्तान में हम जैसे दिखने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर है, ना कि बिल्कुल गॉड जैसे दिखने वाले लोग हैं, मतलब कि तो वो यही है, मतलब ये सोच है, ये भी बदलेगा, क्योंकि बदलाव नेचर का एक पार्ट है। कश्यप के साथ मैंने बहुत काम किया है, दो फिल्में की है, वो काफ़ी सालों से हम लोग, हमारी दोस्ती है, तो वहाँ भी काफ़ी किस्से कहानियाँ हैं। तो जैसे कि जब ब्लैक फ्राइडे मैं कर रहा था, तो मेरी जितनी भी शूटिंग थी वो सारे ज़्यादातर इन्फॉर्मर्स के लेवल पे फ़ोन कट्स में थे, क्योंकि मैं हाइड आउट में था, मेरा कैरेक्टर एड़ा याकूब, तो कश्यप मेरे को बोलता था कि तू घर में रहे बट तू स्टैंड बाई में है, तो घर में रहना स्टैंड बाई है मतलब वो दिन में शूटिंग चल रही इधर उधर कहीं, उसको कोई अच्छा लोकेशन मिल जाता तो वो मेरे को बुला लेता था, तो मुझे पता ही नहीं था कब मेरे को बुलाएगा, तो एक डेढ़ घंटे का नोटिस देके बोलते कि ऑटो पकड़ आ जा, तो मैं ऑटो पकड़ के निकल जाता था, तो ऐसे ही होता था। तो एक बार ऐसी मॉडल लाइन में शूटिंग चल रही थी इन लोगों की, अचानक मेरे को डेढ़ दो बजे का रात को
ग्यारह साढ़े ग्यारह बारह बजे तक फ़ोन आया था, बोला कि यार डेढ़ दो बजे तक तू आ जा, एक सीन करना है। तो मैंने बोला यार डेढ़ दो बजे, दिन भर बैठा रहा तब तक आदमी ड्रेन भी हो जाता है। तो फिर मैं निकल गया, मरैलन चला गया, मरैलन गया तो देखा कि उस मेरा उस फिल्म में सबसे बड़ा जो सीन है, सबसे इम्पोर्टेंट जो सीन है, कुछ सीन्स आते ऐसे होते कि एक्टर्स के लिए कि जो एक्टर सोचते हैं कि सीन में अच्छी तैयारी होनी चाहिए और मतलब अच्छी तरीके से मैं सोच के इसको परसू करूँगा, सेट पर जाऊँगा, लेकिन वो आपको पता चला कि वही उसी दिन अचानक उसने वही प्लान कर लिया कि ये करना है, तो ऑफकोर्स आपको करना है। तो वही मतलब उन्होंने, फिर उसके बाद हम बैठे डिस्कस किए, डिस्कस करने के बाद फिर हम शूट किए और बहुत अच्छा रहा, वन टेक हो गया था। फैंटास्टिक सर, दैट्स गुड। तो अच्छा रहा, तो मज़ा आया था। तो ये ऐसे ही होता है, मतलब यही किस्से कहानी है। दिव्यंदु सर, क्योंकि आपने दो दशकों से फिल्में की हैं, वेब सीरीज की हैं, आपने आपने एड्स भी किए हैं, तो इनमें से बटवा फ्रेंडली क्या है, मतलब फिल्में हैं, वेब सीरीज हैं या फिर एड्स हैं? बटवा फ्रेंडली कुछ भी नहीं है जब आप तक कुछ मांग नहीं पाते, जब आपको कोई कुछ देता नहीं है जी। आप काम करते चले जाते हैं जी। और आपको कोई कुछ मतलब आप पैसे आपको मिलता नहीं है। बहुत एक टाइम ऐसा भी था कि आप बहुत काम कर रहे हैं लेकिन पैसा देते समय आपको कोई पैसा नहीं देता। तो बटवा फ्रेंडली ऐड में थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिलता, क्योंकि ऐड में एक दिन का काम होता है और एक दिन का काम में आपको थोड़ा सा एक लमसम मिल जाता है। तो ऐड ही एक्चुअली देखा जाए तो बटवा फ्रेंडली तो मैंने ऐड ज़िंदगी में बहुत कम किया मैंने ज़िंदगी में, गिने चुने शायद दो या तीन ऐड्स किए मैंने ज़िंदगी में। तो मेरा लाइफ बटवा फ्रेंडली नहीं रहा। जी।